मेडिसिनल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 था, यूनिट नंबर 1 का, दिस इज द एंटी हिस्टामिनिक ड्रग। और एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के सारा कुछ पढ़ने के बाद आखिरी में पढ़ते हैं हम लोग सिंथेसिस। तो सिंथेसिस के लिए अपने नोट्स से मैं आसान लैंग्वेज में आपके लिए सिंथेसिस लिखकर लाया हूँ। चलिए समझ लेते हैं कि सिंथेसिस इसमें कुल चार ड्रग हमको चैप्टर 1 में पढ़नी है और चारों का सिंथेसिस में आप यहीं से एज इट इज नोट्स कर लीजिएगा, बहुत ही आसान भाषा। बाकी नोट्स आपको इस सिंथेसिस का आपके वेबसाइट पर मिल जाएगा kclpharmacy.com पे। तो पहला ड्रग हमारा डाइफेनहाइड्रामिन। डाइफेनहाइड्रामिन कैसे बनाते हैं इसको आप देखिए। तो डाइफेनहाइड्रामिन बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले आपको जो हमारा प्रिकर्सर है वो क्या है, डाइफेनिल मेथेन। नाम कैसे देखिए याद करेंगे, दो बेंजीन को फेनिल बोला हमने डाइफेनिल, और बीच में क्या लगा है मेथिल, CH2 ग्रुप को बोलते हैं मेथिल, तो ये हो गया डाइफेनिल मेथेन। अब डाइफेनिल मेथेन का आप क्या कराइए, ब्रोमिनेशन कराइए फ्रेंड। तो ब्रोमिनेशन जब आप कराएंगे तो आप क्या देखते हैं कि आपको पता है कि ब्रोमिनेशन होने पर लाइट के प्रेजेंस पे जितने भी एल मेथेन ग्रुप में हाइड्रोजन होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं किससे, ब्रोमीन से। तो इस CH2 का एक H रिप्लेस हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CHBr, और इसका नाम हो जाएगा, अभी इसका नाम क्या था भाई, डाइफेनिल मेथेन, इसका नाम हो जाएगा डाइफेनिल ब्रोमो मेथेन, आप इसका नाम चाहे तो लिख सकते हैं। अब डाइफेनिल ब्रोमो मेथेन में हम क्या कर सकते हैं, ये रिएक्शन हमारा अगला है डाइमेथिल अमीनो एथेनॉल। नाम कैसे पढ़ा देखिए, इधर NH2, अगर ये CH3 ना होता तो NH2 होता, और इधर OH होता तो क्या होता, दो कार्बन एथिल, तो ये हो जाएगा एथेनॉल अमीन। तो देखिए अब लेकिन क्या है कि हमने N की जगह दो H हटा के CH3 लगा दिया, तो डाइमेथिल अमीन एथेनॉल। तो ये डाई अमीन एथेनॉल का जब रिएक्शन कराएंगे तो ये इसका OH ग्रुप का, देखिए इसमें जो OH ग्रुप है H और Br, यहाँ से H और Br निकलेगा और O जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अगले स्टेप पे क्या बनेगा, ये देखिए आपका O आप यहाँ पे आकर जुड़ गया और H जो है वो अलग हो गया, तो HBr निकल गया, जो कंपाउंड बना है उसका नाम है डाइफेनहाइड्रामिन। जी हाँ, बहुत ही आसान चीज़ है, यही हम बनाना सीख रहे, तो हमारा पहला कंपाउंड बन गया डाइफेनहाइड्रामिन। आपको बिल्कुल याद करने में मेहनत नहीं करेगी सिंथेसिस, आप दो स्टेप बस बनाना है और इसको बना लेगी आपका ये हो जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं, हमारा अगला मेडिसिन है, दिस इज़ द ट्राइपोलिडीन। तो ट्राइपोलिडीन कैसे बनता है, इसको बनाने के लिए क्या करना होता है, बेसिकली इसमें 4-methyl acetophenone का रिएक्शन हम लोग कराते हैं पायरोलिडीन से इन द प्रेजेंस ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो देखिए आपको दिख रहा है 4-methyl acetophenone, नाम कैसे पढ़ा, COCH3, तो ये एस्टोफिनोन, और चौथे नंबर में मेथिल लगा है, फॉर्मेल्डिहाइड CHO, और दिस इज द पायरोलिडीन। जब ये रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा फ्रेंड, देखिए आपको ये दिख रहा है कि जो COCH3 का CH3 है उसका एक एच और यहाँ पे जो पायरोलिडीन में एच है ये निकल जाएगा, तो जुड़ के आप क्या बन जाएंगे, ये जुड़ गए और ये देखिए हमारा कंपाउंड बन गया। तो इसे बोलते हैं मैनिक कंडेंसेशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे दोनों अमीन और एसिटिल ग्रुप को कंडेंसेशन करा रहे हैं हम लोग, तो दिस इज द मैनिक कंडेंसेशन रिएक्शन, सेम एज इट इज को लिख लीजिएगा। और कंडेंसेशन होने के बाद ये कंपाउंड हमारे सामने आ गया। अब क्या करना है हमको, इसका रिएक्शन कराना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, यहाँ पे एरिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो यहाँ पे एरिल नहीं है, हेटरोसाइक्लिक रिंग है, तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपको पता है कि जब भी कराते हैं आप उस पर क्या होगा, देखिए ये जो CO लिख रहा है आपको फ्रेंड दिख रहा है, ये CO एक्चुअल में C डबल बॉन्ड O होता है कीटोन ग्रुप, और C डबल बॉन्ड में जब भी रिएक्शन कराते हैं तो एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और एक बॉन्ड ब्रेक होने के कैसे ये हो सकता है, देखिए ये यहाँ पे मैं एडिट नहीं कर पाऊँगा। तो यह हो रहा है कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ग्रुप जब टूटेगा तो डबल बॉन्ड O में से एक बॉन्ड टूटेगा और O के साथ यह MgBr लग जाएगा, और C के साथ नीचे यह हमारा हेटरोसाइक्लिक रिंग लग जाएगा, और फिर जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो MgBr की जगह पे H आ जाएगा। तो फाइनली हमारे सामने क्या बन के आ जाएगा, ये कंपाउंड देखिए, नीचे वाला हेटरोसाइक्लिक रिंग आ गया था, ऊपर OMgBr था, और MgBr को H से रिप्लेस किया हाइड्रोलिसिस करके, तो ये हमारे सामने कंपाउंड बन गया। अगले स्टेप में क्या हो रहा है, अब हम यहाँ से डिहाइड्रेशन कराएंगे। डिहाइड्रेशन मतलब हम यहाँ से वाटर को रिमूव करेंगे। तो वाटर कैसे रिमूव होगा, देखिए इस कार्बन का फ्रेंड OH, देखिए इस कार्बन का OH, और इस बगल वाले कार्बन का अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन, जब यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो दोनों के बीच क्या डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या हो रहा है, डिहाइड्रेशन होने पर बीच में क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड, और इसी का नाम है ट्राइपोलिडी। देखिए बस आपको स्टेप, अगर आप केमिस्ट्री समझते हैं तो सिंथेसिस याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी फ्रेंड्स। तो ये हमारा हो गया अगला ट्राइपोलिडी। अब तीसरी हम बात करते हैं प्रोमेथाजीन, ये एक ही स्टेप का रिएक्शन है। देखिए आपका ये फिनोथायाजीन, ये जो आपको रिंग दिखाई दे रहा है ये बड़ा सा हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड, ये है फिनोथायाजीन, बेंजीन के साथ बीच में एस और एनएच के साथ एक हेटरोसाइक्लिक रिंग बन गया है फिनोथायाजीन, और हमारे साथ ये हमारा जो कंपाउंड, इसका नाम आप देखिए क्या लिख सकते हैं, इसका नाम क्या हो सकता है, देखिए अगर एन के पास HH होता तो ये एमीन होता, और यहाँ पे क्या है आइसोप्रोपिल, देखिए 1, 2, 3 आइसो, इसका नाम होता है क्लोरो आइसोप्रोपिल डाइमेथिल अमीन, ठीक है इसका नाम है क्लोरो आइसोप्रोपिल डाइमेथिल अमीन। अब इसका जब रिएक्शन आप कराएंगे तो आप जानते हैं ये Cl जो है H को रिप्लेस करेगा, और इस हाइड्रोजन के नाइट्रोजन के जो H है यहाँ पे इस H को रिप्लेस करके HCl निकल जाएगा, पूरा का पूरा कंपाउंड आकर नीचे जुड़ जाएगा, देखिए नीचे जुड़ गया, और इसका नाम है प्रोमेथाजीन। तो फिनोथायाजीन से प्रोमेथाजीन बहुत आसानी से बन गया, एक ही स्टेप पर बन गया, और मेरे ख्याल से आपको ये सिंथेसिस याद हो गई होगी। चलिए लास्ट सिंथेसिस देख लेते हैं इस चैप्टर की, इस चैप्टर की लास्ट सिंथेसिस है, दिस इज द साइमीडिडीन।
तो साइमेटिडीन क्या होता है, कैसे बनता है, इस एस टू एंटागोनिस्ट है। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास एक रिकम्पाउंड है एथिल टू क्लोरो एसिटेट, कैसे नाम पड़ा देखिए, एथिल एसिटेट आपको दिख रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है कि टू पोजिशन में हमने क्लोरो ग्रुप लगा दिया, तो एथिल टू क्लोरो एसिटेट बन गया। अब इस एसिटेट में हमने रिएक्शन कराया किसका, फॉर्मामाइड का, SCONH2 को फॉर्मामाइड बोलते हैं। तो अब इसका रिएक्शन किससे कराया, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम टेट्राऑक्साइड। तो क्या होगा, ये आपस में सारे फ्यूज होकर मॉलिक्यूल एक रिंग बना लेंगे। अब इस रिंग में क्या करना है हमको, यहाँ पे NH2 CH2 CH2H यानी थायो एथिल अमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे हम लोग। तो ये पूरा जो OH ग्रुप है वो H के साथ रिपल्स होकर वाटर बाहर निकलेगा और ये बड़ा सा मॉलिक्यूल साथ में जुड़ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। अगले स्ट्रक्चर क्या करना है हमको, इसका रिएक्शन कराना है इस नए मॉलिक्यूल के साथ, SCH3 CH3 CH3 NH2, यानी कि एक लॉन्ग रिंग में। तो एक बड़ा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे NH2 के साथ चेंज होकर ये बन जाएगा और इसी को साइमेटिडीन बोलते हैं। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको 2-3 बार लिखिएगा आपको याद हो जाएगा फ्रेंड। तो ये रहे आपके सिंथेसिस के सारे नोट्स, आपकी चैप्टर 1 हम लोगों ने मेडिसिन का खत्म कर लिया है, अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे एंटीनियोप्लास्टिक ट्रक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।